Happy birthday, dear Sharans. Happy birthday to you. ढंग से पकड़, ढंग से है ना। ये जो आइस है ये मैं डालूंगा सौरभ की बॉडी में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हो। और कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाया, वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा सा बिजी था और थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अब खैर, बार बार रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बताऊं कि मैं ये तो आप भी पक जाओगे, तो मैं आपको पकाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कल हमने क्या क्या किया, सॉरी मतलब परसों रात को जो किया वो भी बताऊंगा, और जो कल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील, खुशियां मिली। तो मैं परसों गया था रात को अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये है बर्थडे पार्टी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sharan. Happy birthday to you. ले अबे ढंग से बना, ले हाँ ले, अरे ढंग से पकड़ना उसको, ढंग से पकड़, ढंग से तो पकड़ रहा है, ढंग से पकड़, ढंग से है ना। हाँ अबे यार सीमेंट ज्यादा लगा, सीमेंट कम लगा, सीमेंट कम नहीं है पीछे, इस पे सीमेंट लगा, बैरिकेड इनका सीधी पता ऐसे ऊपर आए हुए हैं। इस पे बैठ के फोटो लेते हैं। काफ़ी इन्जॉय किया। लास्ट बर्थडे पे हमने नहीं, लास्ट बर्थडे पे तो हम घर ही थे, मैं मिल नहीं पाया था। लास्ट से लास्ट बर्थडे पे हमने साथ में सेलिब्रेट किया था। ये 2 साल पहले की पिक है, देख रहे हो। और जो भाई साहब जो डांस किया है, ओ मत पूछो भाई। तो यहाँ मुझे बीच बीच में वॉइस ओवर करना पड़ेगा वरना कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं जैसी फिटनेस किसी की नहीं है, ये इतना बोले भाई इतनी रनिंग करता हूँ, इतनी साइकिल चलाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। अब ये अब जाके ये ऐसा कर रहा है। मैं उसको कब से कहता था, ये एक्चुअली मेरा थिएटर फ्रेंड है। वैसे तो हम जो सारान से जिसका बर्थडे था ये भी मेरा थिएटर फ्रेंड है। ये देखो, ये पिक देखो आप, ये पिक है हमारी 2015 की जो हमने प्ले किया था। नहीं आई थिंक ये 2015 नहीं, ये 14 की है, क्योंकि जिसमें हमने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ये जो कॉस्ट्यूम है ये एक यू नो धार्मिक प्ले की, और वो धार्मिक प्ले मैंने 14 में ही किया था, मुझे याद है, कृष्ण जन्माष्टमी पे।
वो है। और हाँ, बाकी मैं क्या बात कर रहा था कि ये सौरभ है जो डांस कर रहा है मेरे साथ रेड टी शर्ट में, ये इतना ज्यादा हेल्थ को लेके मतलब कॉन्शियस तो है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है, लेकिन इसको जिस टाइम करना चाहिए था और जो टेक्निक्स होती हैं वो ये फॉलो नहीं करता है। मेहनत तो करता है लेकिन बहुत ही कॉमेडी है, बहुत ही जॉली मूड का है, बहुत कभी कभार उलझुल हरकत कर देता है। ये कैसे पेट दिखा रहा है अपना। ये जो ब्राउन टी शर्ट में, ये अंश नाम है इसका, आकाश। मैं सच में मैं डांस भूल गया हूँ। मैं डांस क्या मतलब मैंने ऐसा कभी सीखा नहीं है, बट मैं पहले थोड़ा ठीक ठाक कर लेता था थोड़ा सा, लेकिन अब तो मेरे को बिल्कुल भी डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब बिल्कुल ही, आप देखो कैसे पैर चला रहा हूँ, मेरे खुद को हंसी आ रही है। कैफे में जितने लोग थे ना आसपास में, जो लोग बैठे थे सबके सब ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आ गए, कौन आ गए इतने मूर्ख। एक मैंने हरकत की, प्लीज इसको आप है ना अदरवाइज मत लेना। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड्स वगैरह में चलता है, मेरे साथ इन्होंने भी बहुत किया है, बट मैंने फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि मैं देखा चलो आज मैं भी थोड़ी सी हरकत करके देखता हूँ तो उसको कैसा लगता है। बर्फ का गोला लिया और उसके पीछे डाल दिया। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा उस वो ऐसा मत समझना, वो मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, तो हम फ्रेंड्स में ऐसा चलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स में तो और भी ज्यादा वो ऐसे हरकतें करते हैं, बट हम फ्रेंड्स में ऐसा चलता है, सभी में चलता है कि फ्रेंड्स के। ये जो आइस है ये मैं डालूंगा सौरभ की बॉडी में। ये था बर्थडे पार्टी हमने की, बट फिर थोड़ा लेट हो गए थे तो हमें खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं 11:30-11 बजे, बट फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया, तो अच्छी पार्टी थी, शारंस ने अच्छी पार्टी दी अपने बर्थडे की। फिर कल का जो दिन है, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरा भतीजा जो अभिनव वो आया था, तो हमने बहुत सारी मस्ती की। ये वीडियो देखो, देखो तो देखो कौन आया, अभिनव आया, अभिनव काका। ऑस्कर कौन आया, ऑस्कर बताना बेटा कौन आया, अभिनव ऑस्कर के भैया है, ऑस्कर के बड़े भैया है, अभिनव अभिनव आया है, अभिनव अभी बोलो काका ले पापा कर दो, पा कर दो, पा मैं भी करूंगा। ये इतना चुंदर ललका कौन है, अभी बैठो, आज मम्मी के दोनों पोते हैं, एक ही पोता ये, एक पोता ये। ओए सुन ले ऑस्कर क्या बोल रहे हैं। ओ हाँ, क्या हो गया, अभिनव आया ना, उसकी खुशी में पागल हो गए, अभिनव आने की खुशी में पागल हो गया। हाँ ऑस्कर पागल हो गया क्या, ये देखो गादी आ गई। हाँ ऑस्कर आगे अभिनव आगे, इतना पागल हो जाता है जिसे तो पता ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा लगाव होता है। और एक बार तो जब मम्मी मेरे पास, हाँ देखो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो है आज के 6 या 7 महीने पहले का, जब मम्मी गांव गई थी, देखो कैसे पागल हो गया, इतना ज़्यादा ये मतलब पागल हो जाता है लोगों को देख के, मतलब अपनों को देख के इतना पागल हो जाता है कि क्यों गई थी ऐसे, जैसे तो इसके ना जबान नहीं है, जबान अगर जबान होना तो शायद बोल भी दे कि क्यों गई थी मेरे को लेके जाते हुए, इतनी ऐसी हरकतें करता है। तो ये था कल का और परसों का दिन, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करूं, मैं कसम से मैं बहुत ही ज़्यादा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से फुल्ली एंटरटेन करूं, नई नई चीज़ें दिखाऊं, बहुत सारा
लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान हूँ है ना, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। चलो, और एक चीज़ और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यार है ना, ऐसे नॉर्मली मेरे दिमाग में आ गई ऐसी एक्सपीरियंस कि ट्रस्ट किसी पे मत करना, किसी पे भी, चाहे भले ही वो अपने खून से लिख के भी दे देना, तो भी कभी ट्रस्ट मत करना किसी पे भी, फैमिली के अलावा कभी ट्रस्ट मत करना। ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा शायद आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तक फिर तो बताना ही चाहिए, अगर आप इतना प्यार मुझे कर रहे हैं यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, अपना काम करें और फैमिली का साथ दें, दैट्स इट। दोस्तों, यारी दोस्ती सब अपनी जगह, बट फिर भी फुली ट्रस्ट, अंधा ट्रस्ट किसी पे ना करें, कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है गाइज, आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो ओके, टाटा बाय बाय, नई वीडियो आने तक सभी अपना ध्यान रखें और लव यू।